हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी जस्ट सेटअप पर आए हैं, ठीक है। और ये माशाल्लाह हमारे साथ मुस्तफा भाई हैं, आज जल्दी आ गए, हमारे साथ ही आ गए भाई। वो लगे हुए वो, ये देखो मुस्तफा भाई का जुगाड़, दिस इज़ कॉल्ड देसी जुगाड़। हाँ, तो ये भाई लूसन का कूलर जो है ना, यहाँ पर हमने लटका दिया। ये चूज़े भी पता नहीं परिंदे बन गए, मुझे लगता है ये भी लूसन खाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा भाई, दूसरी सीन ये है कि हमने सोचा था कि यार ये जो ये वाली जो फीमेल है ना, ये हमने निकालनी थी ना, ये ऊपर जो बैठी थी, हमने सोचा था इसको कहीं पे छोड़ देंगे खुला, क्योंकि ये जो ना अपनी पूरी गर्दन इसे टेढ़ी कर देती है, उड़ भी नहीं पाती। लेकिन जिस दिन हमने ये सोचा और उसी के दूसरे दिन जो है ना, वो उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई हमें ये सरप्राइज़ दे दिया। ये देख रहे हो आप, ये सरप्राइज़ मिल गया हमें। अब सीन ये है कि भाई इसको अभी निकालना मुनासिब नहीं है, इसको निकालना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि इसने दे दिया अंडा। तो अब जब तक ये अंडे से कुछ या तो बच्चा निकला है, या तो फिर जब तक इसकी सेटिंग नहीं बन जाती, तब तक इसको हम हटा नहीं सकते। ऐसा ही है मुस्तफा भाई, क्या भाई? यार मैं ये सोच रहा हूँ, ये पानी पूरा मेहंदी के कलर में क्यों कर देते हैं ये लोग? ये मुझे लगता है ये लोग पता है करते हैं, इतनी बदबू है इस पानी में। बदबू नहीं है, दिस इज कॉल्ड खुशबू। आपको जो है ना, अपने अभी नहीं तो मैं अंदर टपने जाता था। देखो अब, ओ हो भाई भाई साहब, खुशबू सारे घोड़े इसने उड़ा दिए। सारी बूटी ये लोग करते हैं। ये देखो, ये देसी जुगाड़, ये घोड़ों का शरबत बना दिए। घोड़े का शरबत है। अबे भाई 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 यार, ये इसकी इसकी साइज देखें, ये बड़ा वीआईपी बन रहा है। इसके सर पे ना वो ताज भी निकलना शुरू हो गया अब। और इन लोगों ने पता है क्या किया, ये जितने ही मैंने यहाँ पे डेकोरेटिव पौधे लगाए थे ना, एक दो तीन चार, उन चारों की इन्होंने बैंड बजा दी। इनको मार मार के ना पूरा खा के इनको ख़त्म कर दिया है, मतलब है ही नहीं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें पूरा खाली है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। चले निकल, ये देखें जी, सिरे से बिल्कुल साफ क्लीन कर दिया। ये लोग आते ही इन्होंने जो है ना बैंड बजाना शुरू कर दिया। लूसन की ये चारों नीचे से चिपके चिपके ना उसको खा रहा है। बाकी भाई ये बटेर यार, ये वाला पेयर पता नहीं अब क्या करेगा, कब करेगा, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रही। बाकी वो नीचे वाला जो हमारा पेयर है, वो तो माशाल्लाह से उसने मटकी पकड़ ली, अंडे वंडे भी दे दिए। इसकी फीमेल भी जो है ना अंदर ही बैठी हुई है, इसका आज चेक करते हैं क्या सीन चल रहा है। और हमारा पीपी देखे अभी, अबे मुस्तफा भाई ये पीपी के काम देखो, ये यहाँ वहाँ भाग रहे हो, मुझे यही डर लग रहा है। इधर आ, इधर आ बेटा, इधर आ। ये देखें जी, ओए 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 भाई, इसने चलना फिरना शुरू कर दिया है। अरे माशाल्लाह खूबसूरत बन गया ये, खुद ही उतर गया उसके ऊपर। चल बेटा बैठ जा इधर। तो अभी जो है ना मुस्तफा भाई कर रहे हैं इनकी सफाई भाई, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं सेटअप को, उसके बाद मैं आप लोग को आगे ही दिखाता हूँ। यार ये जो है ना हमारी वो छोटा वाला बर्तन टूट गया, इतना बड़ा बर्तन उठा के रखना पड़ रहा है, रोज़ 10-12 किलो की जो है ना एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। भाई आज फिर से धुलाई चल रही है इनकी। अब आज पता है तुम्हारा वाला आइडिया। आज थोड़ा इनको जो है ना डीप नहलाते हैं, फ्रेश हो जाएंगे एकदम। नहीं इसको यहीं पे रख दो, ये पकड़ के रखो, ओए बंद कर दो बंद। अच्छा शैम्पू है ना, मैंने कम रखा है ना, ताकि इनको मसला ना हो कुछ। शैम्पू से साफ हो गया, हो गया ना साफ। ये जब सूखेंगे ना, धूप भी है, इसको वहाँ खुला छोड़ देंगे। लगाओ लगाओ पानी, पहुँच भी हो जाएगी अभी, हो जाएंगे ये सिल्की सिल्की। देख रहे बन रहा है भाई इसका।
नहीं, जो हम चिकन लेने जाते हैं वो सीना बना, दो महीने से उसको काट के खा जाएंगे। ओए इतनी मेहनत के बाद में काट के खा जाओगे? ये कमांडो की तरह खड़ा हूँ। कमांडो ये क्या है भाई, ये क्या है? तेरी चोंच देखो कैसी गंदी करी हुई है इसने। पीछे घूम जरा, डिग्गी देगा। ओए पकड़ो भाई, खबर कर भाई। मुस्तफा भाई अब इसका कलर देखना, जब खुल के आएगा ना। चल बेटा कटो, उसको धूप में छोड़ दो। नशे में चला गया बेचारा। बांग पीली ना भैया, अब वो धूप में घूमेगा ना। ये तो बड़ा गंदा हो रहा है यार, ये नर है ना, ये नर है। नाएगा कौन तेरा चाचा, इतना गंदा हो गया, खुद को देख, वो देख। इसके अभी पर के बाल भी आ रहे हैं। बस इसकी दुम ब्लैक आ रही है ना, इसकी दुम पर और सर के बाल भी ब्लैक आ रहे हैं। कौन सा शैम्पू ये? मीना इसको जरा टेढ़ा पकड़। हो गया ना साफ। हो रहा है ये शैम्पू जो ना, बहुत हल्का रखा है ताकि वो झाग ना बने ज़्यादा। इसके विंग्स अभी आ रहे हैं और बड़े होते हैं इनके। हैं हैं, चलो भाई अब देखना इसका कलर कैसा खुल जाएगा। ओए लांगे किसी लगा रहा है। इसकी चोंच पे धब्बा है ब्लैक, ब्लैक मार के इसकी चोंच पे। ये कटो, वो देखो पानी में बैठा हो गया। ये बाबू अब इसको ना धूप में छोड़ो, ये तो ड्राई हो जाएंगे ना, ये भी साफ हो जाएगा। ये देखो अभी इसका कलर देखो, फुल के वाइट हो गया। तो अंदर नहीं जाने देना अभी। ठीक है गाइस, तो अब जो है ना देखें सेटअप पूरा हमारा साफ हो गया माशाल्लाह। वो दाना पानी भी डाल दिया है और आपको मैंने दिखाया है कि यार हमारी जो वो फीमेल थी ना, जिसको हमने मतलब कहीं छोड़ना था क्योंकि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप की एक्टिविटीज़ कर रही थी, गर्दन पूरी मोड़ा देती थी और उड़ भी नहीं पा रही थी। तो हमने सोचा था कि यार उसको कहीं पे छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि वो हो सकता है ऐसा ही हो जाए। लेकिन हमारे पास सब सीन ये है कि भाई इसने कल जो है ना रात में अंडा दे दिया, तो अब ये जो ना अंडे पे बैठी हुई है देखें, इसको हम निकाल नहीं सकते। तो फ़िलहाल इसको रखेंगे, बाद में देखेंगे इसके साथ में क्या करना है। और हमारे डक्स को जो है ना शावर दे दिया था आज, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे इनका कलर देखिए, अब माशाल्लाह बिल्कुल वाइट, वो सिल्की टाइप का कलर हो गया। और आज पता है ये लोग जो ना शेखू से जाके उनको नहला दिए। मुस्तफा भाई वहाँ पे चौधरी बन के बैठा है ना, क्यों भाई
साथ। क्या इनको खिला रहे हो खुद खा रहे हो? भाई सेफ्टी के लिए बैठे हैं, ऊपर से चील आ रही है ना, उसको लेके नहीं जाए। ये बात भी सही है, यहाँ बैठी भी होती है तो भाई जी ऊपर जो है ना चीले वीले घूमती रहती है, कोई भी अटैक कर सकती है इनको। तो अभी सीन ये है कि भाई इन लोग को शावर दे दिया, मुस्तफा भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ा ताकत पे अपने, अभी निकलते हैं, निकलने वाली करते हैं। बाकी ये कि कल दोबारा मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ में। भाई कल का क्या प्लान है? बैठी भी है वो। हाँ वो भी बैठी है, मैंने उसको देखा उसके ऊपर बाकायदा उसने वो रखे हैं तिनके वगैरह भी रखे हैं, तो उसने पूरा जो है ना नेस्ट बना लिया और उसके ऊपर वो मादा बैठ गई है। अगर इसके बच्चे वो नहीं निकले यार जो, हाँ पता चले उनके बच्चों के गर्दन भी जो ना है टेढ़ी हो, अल्लाह माफ़ करे। दुबई जा रही है, सऊदी जा रही है। दुबई सऊदीया फ्लाइट है, कब आ रही है? तो गाइस ये थी आज की स्टोरी यार, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।